अंपायर्स को कैमरन बताते हैं कि वो बॉल को पॉलिश करने के लिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज कर रहे थे, विच इज सो फनी। शायद वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने येलो एडहेसिव टेप का यूज किया, बट इन्वेस्टिगेशन से सामने आता है कि इनफैक्ट इट वॉज सैंड पेपर एंड हेंस इट वॉज एन इलीगल एक्शन टू टैम्पर द बॉल, जिससे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा था। स्टीव स्मिथ उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे और कैप्टेंसी से विड्रॉ करने से रिफ्यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से लेकर मीडिया एंड फैंस अराउंड द वर्ल्ड इस इंसिडेंट के अगेंस्ट अपना गुस्सा और शेम एक्सप्रेस करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया गेट्स रॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी से हटाया जाता है और 12 मंथ्स का बैन लगाया जाता है। कैमरन बैनक्रॉफ्ट को 9 मंथ्स का बैन मिलता है। स्टीव स्मिथ को उस साल आईपीएल से भी बैन किया जाता है।